हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं और परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, ये सारा चीज हमने बताया था। तो आज अब हम लोग देखेंगे कुछ नंबर का स्क्वायर। एक टेबल में हम एक से लेकर के 20 तक का स्क्वायर अभी यहाँ लिखेंगे। इसको आपको अपना कॉपी में नोट करना है और इसको याद रखना है। तो आइए देखते हैं संख्या नंबर 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर नंबर है मेरा 1, इसका स्क्वायर हम यहां लिखेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है कि स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर निकलेगा। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3 करेंगे 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4 16। 5 का क्या होगा, 25। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। आइए अब देखते हैं 11 का स्क्वायर क्या होगा। तो 11 का स्क्वायर होगा 121, 12 का क्या होगा 144, 13 का क्या होगा तो 13 इंटू 13 करेंगे 169, 14 का क्या होगा 196, 15 का क्या होगा 225, 16 का क्या होगा 256, 17 का क्या होगा 289, 18 का क्या होगा 324, 19 का क्या होगा 361, 20 का 400। इतना आपको याद रखना है, एक से लेकर के 20 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है। इसको एकदम रट्टा मार लेना है आपको। इसको आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें। उसके बाद यहाँ आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट में 1 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसके भी यूनिट डिजिट में 1 होगा। अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 2 है तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा उसमें यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 3 है तो उसका स्क्वायर नंबर जो होगा उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 4 है तो उसका स्क्वायर नंबर जो होगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 होगा। इसी तरह से 6 है तो 6, 7 है तो 9, 8 है तो 4, 9 है तो 1 होगा। इसको देखने से एक चीज हमको पता चलता है कि अगर यूनिट डिजिट ऑड नंबर है जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। फिर से आप लोग ध्यान देंगे कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट ऑड नंबर है जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, तो उसका जब स्क्वायर हम निकालेंगे
तो स्क्वायर नंबर का भी यूनिट डिजिट ऑड ही होगा। जैसे देखिए ये ऑड है, 3 का स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट 9 है, ये भी ऑड है। 5 में ये ऑड है, 7 का 49 ये भी ऑड है, 9 का स्क्वायर 81 ये भी। तो इस टेबल को देखने से आपको एक चीज पता चल गया कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट ऑड है तो उस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर नंबर भी एक ऑड नंबर होगा। एक चीज ये पता चला इस टेबल को देखने से। एक और चीज जो पता चल रहा है वो है कि अगर देखिए किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक का कोई नंबर होगा या 0 होगा। एक बार फिर से आप सुन लें, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि 0 या 1 से लेकर के 9 तक का कोई डिजिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम जो नंबर लिखे हैं 1 से लेकर के 9 तक का यूनिट डिजिट वाला नंबर है, और एक मेरा 10 जो है इसका यूनिट डिजिट 0 है। तो यहाँ हम ऐसा नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 10 तक जिसमें यूनिट डिजिट या तो 0 है या फिर 1 से लेकर 9 तक का डिजिट है। अब इसके स्क्वायर पर अगर हम ध्यान दें तो हम क्या देख रहे हैं कि जो स्क्वायर नंबर मिल रहा है उसका यूनिट डिजिट क्या क्या है। जैसे इसका अगर हम देखें 1 का, तो यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। 2 का स्क्वायर देख रहे हैं 4 है, यानी यूनिट डिजिट 4 है। 3 का देख रहे हैं कि 9 है, और 4 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। 5 का स्क्वायर निकाले हैं तो यूनिट डिजिट आया 5। 6 का स्क्वायर निकाले हैं, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, 6 लिख चुके हैं। 7 का अगर स्क्वायर नंबर निकालते हैं तो क्या है, 9 है, 9 लिख चुके हैं। 8 का अगर स्क्वायर नंबर निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, 4 लिख चुके हैं। 9 का अगर स्क्वायर हम निकालते हैं तो स्क्वायर नंबर 81 है और उसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, 1 लिख चुके हैं। और एक मेरा नंबर 10 है, 10 का यूनिट डिजिट 0 है, इसका अगर हम स्क्वायर नंबर निकालते हैं तो जो नंबर आता है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो ये 0 लिख देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा या स्क्वायर नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हर हाल में 1, 4, 6, या क्रम से हम बोलते हैं 1, 4, 5, 6, 9 या 0 हो सकता है। ये हो नहीं सकता, होगा। क्या क्या होगा अगर नीचे हम क्रम से लिखें, 1 पहले 0 लिख देते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 डिजिट होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होना मस्ट है। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट जब भी होगा तो यही सारा नंबर होगा, इसके अलावा दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, हालांकि आगे जब हम बताएंगे फैक्ट्स अबाउट स्क्वायर नंबर तो उसमें ये सब सारा चीज नोट करवा देंगे, अभी बस सिर्फ हम बता दे रहे हैं, इसको आप दिमाग में रख लें, इसको आप समझ लें। ठीक है, तो आपको इसको नोट कर लेना है और इस टेबल को याद कर लेना है, और अभी जो हम दो चीज बताए हैं
उसको ध्यान में रख लेना है। अब आगे जब हम बताएंगे फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स तो उसमें ये सब सारा चीज हम बताएंगे, ठीक है। तो आज अपना वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।